भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका के कैंडी में खेले गए एशिया कप 2023 के तीसरे महामुकाबले का परिणाम सामने आ गया है। लगातार बारिश की वजह से मैच को रद्द कर दिया गया है। वही इस प्रकार दोनों ही टीमों को अब एक एक अंक से संतुष्ट होना पड़ेगा। जहां भारत ने यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.5 ओवरों में 266 रन बनाए, वही लक्ष्य का जब पीछा करने की बारी पाकिस्तानी टीम को आई तो लगातार बारिश की वजह से दोबारा खेल शुरू नहीं हो सका। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिरकार मैदानी अंपायरों ने दोनों ही टीमों के कप्तानों से बातचीत करके जिसके बाद मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ जरूर मैच का निर्णय नहीं हो सका, लेकिन भारतीय पारी के दौरान भारतीय टीम के ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का बल्ला जमकर आग उगला। दोनों ही बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 138 रनों की शानदार शतकीय साझेदारी की और ब्लू टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। मैच के दौरान जहां ईशान किशन टीम इंडिया के लिए जहां पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 81 गेंदों पर 82 रन बनाने में कामयाब रहे, वही हार्दिक पांड्या छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 90 गेंदों पर 87 रन बनाने में कामयाब रहे। दुख की बात यह रही कि दोनों ही बल्लेबाज शतक के काफी करीब पहुंचकर शतक लगाने में नाकामयाब रहे। मैच के दौरान पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों का भी दबदबा रहा। ग्रीन टीम के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने जहां 10 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 35 रन खर्च करके सर्वाधिक 4 सफलताएं प्राप्त की, वहीं नसीम शाह और हरीश राउफ को क्रमशः 3-3 विकेट चटकाने का मौका मिला। इन दोनों तेज गेंदबाजों के अलावा सदाब खान, मोहम्मद नवाज और अगा सलमान ने भी गेंदबाजी की, हालांकि इन गेंदबाजों को कोई भी सफलताएं हाथ नहीं लगी। भारत के खिलाफ मैच रद्द होने के बावजूद पाकिस्तान की टीम सुपर चार में पहुंच गई है। ग्रीन टीम को अपने पहले मुकाबले में नेपाल के खिलाफ 238 रनों से बड़ी जीत मिली थी, वही टीम इंडिया के पास भी सुपर चार में पहुंचने का सुनहरा मौका है, क्योंकि ब्लू टीम का अगला मुकाबला 4 सितंबर को नेपाल के साथ है और नेपाल के खिलाफ भारतीय टीम का पल्ला बेहद मजबूत नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या 4 सितंबर को होने वाले भारत और नेपाल के मैच में भारतीय टीम उस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।